आप में से काफी सारे लोग कमेंट्स में बोलते हैं, भैया हमने बहुत सारा लॉस कर दिया है। कुछ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने शायद उधार लिया या पापा मम्मी का कैपिटल लगा के उड़ा दिया है। कुछ बिगिनर्स होते हैं जिनको ज्यादा कुछ पता नहीं होता, अनफॉर्चुनेटली कोई पेड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हैं जिसमें गलत टिप्स के कारण लॉस कर देते। बाय द वे, हम कोई भी पेड टिप्स एंड सर्विसेज रिटेल को नहीं देते, कृपया स्कैम के बीच में ना पड़े। हमारे नाम पर काफी फर्जी चैनल चल रहे हैं, हमारा केवल ये ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल है जहां पर पिंड कमेंट है कि हम कोई पेड टिप्स एंड सर्विस नहीं देते। तो इस तरह के लोग होते हैं। फिर कुछ बच्चे लिखते हैं, कुछ मतलब अच्छे अच्छे लोग लिखते हैं दैट यार हम बहुत टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा गलत क्या कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए जहां पर ऐसे 8 से 9 कंसर्न्स के सॉल्यूशंस आप लोगों को दिया जाए जिससे कि आप अपने ट्रेडिंग को सुधार सको और एक लेवल आगे लेके जा सको। तो चलिए नींबू शरबत पीते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो ये है कि अक्सर काफी सारे लोग बहुत बड़े कैपिटल के साथ स्टार्ट करते हैं। अगर आपको घर वालों ने 20,000 कैपिटल भी दिया है तो कृपया ट्रेडिंग 20,000 से स्टार्ट मत करो। अगर आपके पास 1 लाख रुपीज सेविंग्स में पड़ा हुआ है तो उससे मत स्टार्ट करो। स्टार्ट विद द लीस्ट अमाउंट पॉसिबल। मुझसे अगर पूछोगे तो मैं कहूंगा 1,000 रुपए से चालू करो। इससे फायदा क्या होता है, देखो क्या होता है कि आप अगर एक बड़ा कैपिटल जो आपका पूरा कैपिटल होता है स्टार्टिंग में लाते हो उसको ब्लो अप कर देते हो तो आपका कॉन्फिडेंस में बहुत बड़ा डेंट पड़ जाता है। लेकिन जब आप एक प्लान्ड मूव के साथ आते हो कि मैं धीरे धीरे करके नुकसान करूंगा, भले 1,000 रुपीज को बार 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 एग्जॉस्ट करूंगा, तो आपका माइंडसेट तैयार रहता है टू फेस बिगर डिफिकल्टीज। जाहिर सी बात है कि 1,000 रुपए में 1,000 रुपीज में यू कांट ट्रेड FNO, लेकिन ये आपके माइंडसेट को इतना रोबस्ट बना देगा जब आप कैश को ज्यादा ट्रेड कर रहे हो अपना बिल्डअप कर रहे हो, कॉन्फिडेंस मार्केट मूव को समझ रहे हो, वॉल्यूम्स जब बढ़ जाते क्या होता है, ब्रेकआउट किस तरह से फॉल्स होते, ये सारी चीजें समझते हो तो आप ट्रेडिंग और अच्छे से समझ सकते। दूसरी चीज जो आपको समझनी है कि आप जब भी ट्रेड कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप हमेशा ना क्रॉस एसेट बेस पे देखो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कहां हो रहा है, बिकॉज उसका डायरेक्ट रेफरेंस इक्विटी मार्केट पे पड़ेगा। इसको सरल भाषा में बताता हूं। हाल फिलहाल में आपने क्या देखा, जब मार्केट करीब 15,700 15,800 के आसपास था तब हमने एक टेलीग्राम पे भी बोला प्लस हमने ट्वीट करके भी बोला कि देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी बुलिशनेस आएगी। क्यों, उसका रीजन समझो। पहली चीज है क्रूड ऑयल में ब्रेकडाउन हुआ, मतलब $100 के नीचे बहुत समय बाद नीचे कम डाउन हुआ। INR में स्ट्रेंथ आया बिकॉज RBI ने इंटरवीन किया जिसके चक्कर में जो रुपी है वो डॉलर के अगेंस्ट में थोड़ा सा स्ट्रेंथ उसने गेन किया। तो मार्केट सेंटिमेंट काफी बहुत ज्यादा बियरिश था, जैसे हम मार्केट मीटर की बात करते बहुत बियरिश था और PCR 1 के नीचे था, काफी ऑलमोस्ट 0.5 के आसपास था। ये सारी चीजें जब आप अक्रॉस एसेट देख रहे थे क्रूड ऑयल में क्या हो रहा है, डॉलर में क्या हो रहा है, कमोडिटी मार्केट में क्या हो रहा है, तो आपको एक हिंट लगती है कि भाई इक्विटीज में क्या हो सकता है। और आप देख सकते हो 15,800 से 16,200 मार्केट पहुंच गया, जैसे 400 पॉइंट मूव। आई एम नॉट सेइंग कि यहां से एकदम ऊपर जाएगा नीचे, लेकिन जब आप क्रॉस एसेट देखते हो तो आप अपने पोजीशंस को बहुत अच्छे से बना सकते हो। तो थोड़ा ब्रीफ नॉलेज होना चाहिए कि क्रूड का क्या इंपैक्ट पड़ता है, INR का क्या इंपैक्ट पड़ता है, PCR का इंपैक्ट क्या पड़ता है। बाय द वे, अगर आपको समझना ही है PCR क्या होता है कैसे होता है तो कमेंट्स में PCR लिखेगा, जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे हम उसको कवर करेंगे। हमने ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट इंडिया विक्स पे भी कवर किया है जो कि आपको चैनल पे दिख जाएगा, जाके चेकआउट करो अभी तक अगर आपने नहीं देखा। तीसरी चीज जो आपको वो करना है कि आप मान लीजिए आज के दिन आपने एक बड़ा लॉस किया, काफी लोग लिखते हैं कमेंट्स में आज हमारा 60% कैपिटल चलेगा, 50% कैपिटल चलेगा, और नेक्स्ट डे वापस वो ट्रेड करने आ जाते हैं। अब दो पॉसिबिलिटी, या तो प्रॉफिट बना लिया तो ठीक है वो और थोड़ा टिक जाएंगे, फिर लॉस हो जाता है तो रिवेंज ट्रेडिंग पर रिवेंज ट्रेडिंग चलता है। मेरी बात मानिए, अगर आपने एक बड़ा सब्सटैंशियल ड्रॉडाउन लिया है तो एक बड़ा पॉज भी लीजिए। बड़ा ड्रॉडाउन इज इक्वल टू बड़ा पॉज, छोटा ड्रॉडाउन इज इक्वल टू छोटा पॉज। अगर आपने विद इन 3% ऑफ द कैपिटल ड्रॉडाउन किया तो अगले दिन आप वापस ट्रेड कर लो, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर आपने 10% से ज्यादा कैपिटल का ड्रॉडाउन किया है, थोड़ा सा रुको, थांबा, थोड़ा सा पॉज लो, बिकॉज दैट इज मस्ट। अगर आप पॉज नहीं लोगे तो आप जल्दबाजी में बहुत सारी गलतियां कर दोगे। नेक्स्ट चीज, स्टिक एंड स्टिक इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज वर्किंग फॉर यू इन 1 month और नॉट। इसका मतलब क्या है, एक सेटअप बनाया, एक सिस्टम बनाया, उसको फॉलो करना शुरू किया, 3 महीने तक बहुत बढ़िया प्रॉफिट बना रहे हो, 1 महीने में ड्रॉडाउन होने लग गया और अचानक से आप पैनिक मोड में आ जाओगे, नहीं करना है। अगर आप टेक्निकल इंडिकेटर का इस्तेमाल कर रहे हो, अगर आप
रेंको चार्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हो, अगर आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हो उसको स्टिक अराउंड करो मेरे दोस्त, बिकॉज बहुत सारे लोग इधर से उधर होने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग होते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करना सीखने जाते हैं, आधा अधूरा सीखते हैं, उसके बाद बिकॉज उनका सेटअप अब काम नहीं कर रहा है, फॉल्स ब्रेकआउट दे रहा है, ब्रेकडाउन दे रहा है, वो शिफ्ट हो जाते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, जो लोग अपने आप को जज कर रहे हैं बींग अ ट्रेडर, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आप अपने परफॉर्मेंस को मई से लेकर जुलाई तक का अभी जज कर रहे हो कि यार मेरा पहले सेटअप काम कर रहा था अब नहीं, तो डोंट वरी, इट्स नॉट योर सेटअप्स फॉल्ट, इट इज बिकॉज मार्केट का डायनेमिक थोड़ा सा बदला है इन 2-3 महीने में। बट अगर आपके सेटअप ने बैक टेस्टिंग में अच्छे रिजल्ट्स आपको पीले दिए तो आगे भी देगा। तो इसके लिए अपने रोबस्ट कंसेप्ट बनाओ, टेक्निकल एनालिसिस हो गया, प्राइस एक्शन हो गया। बाय द वे, अगर आपको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में अपना रोबस्ट ये बनाना है तो उसके ऊपर काफ़ी सारे किताबें हैं। एक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की फुल बुक भी अवेलेबल है कुकू FM पे। जी हाँ, वहाँ पर आप सुन के भी अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग रिलेटेड, और फुल बुक यहाँ पर अवेलेबल है, और ऐसे ही हज़ारों किताबें यहाँ पर अवेलेबल है। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप कुकू FM डाउनलोड करके मेरा कोड AK50 यूज़ करोगे तो आपको 50% डिस्काउंट भी मिल जाएगा जो फर्स्ट 250 यूजर्स है, तो मेक श्योर आप जाके चेकआउट करो। तो इस तरह से अपने नॉलेज को आप अपग्रेड करो। नेक्स्ट चीज आपको समझनी पड़ेगी कि आपको कुछ क्लासेस में ना कुछ एडवांटेज जरूर होते हैं। सम एसेट स्टाइल, सम स्ट्रेटजीज हैव ऑलवेज एन एडवांटेज। एग्जाम्पल देते हैं, मैंने अक्सर अपने चैनल पर बात करी है क्यों लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं, लेकिन उसका एक और चीज है कि आप जब फ्यूचर्स बाय या सेल करते हो, जब आप ऑप्शंस बाय या सेल बाय करते हो, या फिर आप इक्विटी में इंट्राडे में बाय या सेल करते हो, इन सब में कंपैरेटिवली स्किल ज़्यादा लगती है एज कम्पेयर टू ऑप्शन सेलिंग। जी हाँ, आप सही समझ रहे हो, ऑप्शन सेलिंग से ज़्यादा स्किल इधर लगती है। क्यों? देखो, ऑप्शन सेलिंग में आपके पास दो चीज़ें होती है। मान लो आपने कॉल बेचा, तो आपको फायदा कब होगा? कॉल बेचा मतलब, जिन लोगों को नहीं पता उनको बताता हूँ, ये उल्टा होता है ऑफ बाइंग पुट। आप पुट बाय कर रहे हो, कॉल बेच रहे हो। कोई इंसान बेचता क्यों? क्योंकि एट द एंड थर्सडे को उसका प्रीमियम गल जाएगा। अब एक ऑप्शन सेलर को स्किल कम क्यों लग रहा है? बिकॉज एक, या तो उसका डायरेक्शन उसका सही है, मार्केट नीचे गिर गया तो उसको फायदा है। दूसरा, अगर मार्केट साइडवेज भी रह गया उसी लेवल के नीचे या आसपास, तो भी फायदा है। तो यहां पर उतना स्किल नहीं है, लेकिन जब आप ऑप्शन बाय करते हो, यू हैव टू बी राइट ऑन योर डायरेक्शन। अगर आप डायरेक्शन में सही नहीं होगे तो भाई आप नुकसान कर बैठोगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप ऑप्शन बाय करते हो तो स्किल ज्यादा, तो आप आइडेंटिफाई करो क्या आप उतने स्किलफुल बन सकते हो। अगर बन सकते हो तो डेफिनेटली आप ट्राई करो, देर इज नो लिमिट टू दिस थिंग। लेकिन बहुत सारे लोग, 95% लोग नहीं बन पाते हैं, इसी चक्कर में ऑप्शन बाइंग में बहुत पैसा गवा देते हैं। नेक्स्ट चीज, आपको इसको टारगेट करना है एज अ बिजनेस, और टारगेट हमको इसमें लाइक का भी करना है। अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो मेक श्योर लाइक कर दीजिए, इससे प्रोत्साहन मिलता है इस तरह के वीडियो बनाने के लिए। तो बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में मान लीजिए आज आप एक स्टार्टअप चालू करते हो, तो क्या आप ये सोचते हो कि मैं हर साल 200% बनाऊँ, 300% बनाऊँ? नहीं ना, आप सोचते हो क्या हो कि 40% भी बन गया, 30% भी बन गया, इट्स गुड इनफ। आप थोड़ा एक हायर लेवल पे इसलिए सोचते हो बिजनेस में, बिकॉज यू आर टेकिंग सम अमाउंट ऑफ रिस्क। तो रिस्क के हिसाब से आप रिवॉर्ड के बेसिस पे भी सोचते हो यार कि इतना रिस्क लिया तो उतना रिवॉर्ड मिलना चाहिए, तो आप सोचते हो बिजनेस के बेसिस पे। तो लाइक वाइज ट्रेडिंग पे भी आप सोचो। ट्रेडिंग पे आप आके बोलोगे कि भाई मेरे को हर दिन का 200% चाहिए बिकॉज उस यूट्यूबर ने बनाया है। आई एम नॉट सेइंग वो यूट्यूबर्स नहीं बना सकते, हो सकता है करोड़ों में 1-2 यूट्यूबर हों, बट आप थोड़े रियलिस्टिक सोचो ना। और इसीलिए उसको एक बिजनेस एंगल में, बिजनेस में एक्सपेंस होते हैं, बिजनेस में अनफोर्सीन इवेंट होते हैं, उसके लिए आपको बैकअप में कैश रखना पड़ता है। लाइक वाइज आप ट्रेडिंग को लो तो आपको हेल्प आउट करेगा। नेक्स्ट चीज़ है, सिर्फ चार्ट्स मत देखो। सब कहते हैं ओनली वॉच चार्ट्स, नहीं, चार्ट से ज़्यादा ना हर वीकेंड पे अपना ट्रेड लॉग देखो। देखो क्या होता है, चार्ट्स आपको डायरेक्शन बताएंगे, मोमेंटम बताएंगे, वॉल्यूम बताएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें बताएंगे, लेकिन आपका खुद का ट्रेड लॉग जब आप हर वीक में एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने लास्ट वीक में क्या गलती करी थी, कौन से इवेंट के चक्कर में आपको लॉस हुआ, किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी। तो डोंट जस्ट रश बिहाइंड चार्ट्स, आप अपने ट्रेड लॉक को भी बिल्कुल ध्यान से रखिए। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी बोल चुका हूँ, आज वापस रिपीट करूँगा कि भाई प्लीज़ किसी को देख के उसको कॉपी करने की कोशिश मत करो। काफ़ी सारे मेरे को क्वेरीज आते हैं, भैया आप स्कैल्पिंग करवा दो। जस्ट बिकॉज मैं स्कैल्पिंग करता हूँ ज़रूरी नहीं है पूरी दुनिया को स्कैल्पिंग करना है। जस्ट बिकॉज कोई ऑप्शन सेलिंग करता है ज़रूरी नहीं है। मैंने अक्सर देखा, इनफैक्ट ये तो मैंने पर्सनली भी ट्राई किया, जब मैं किसी अपने फेलो ट्रेडर की स्टाइल कभी ऐसे फ्री टाइम पे कॉपी करने की कोशिश करता हूँ तो उसने गेन से ज़्यादा मेरे को नुकसान दे दिया रहता है। तो एवरी टाइम आई रियलाइज कि वी ऑल आर डिफरेंट, हम सबकी अलग स्टाइल है, अलग टेम्परामेंट है, तो हमको अपनी स्टाइल खुद बनानी पड़ेगी। इंस्पिरेशन सबसे लो, लेकिन स्टाइल अपनी खुद की बनाओ। ये मत सोचो कि बिकॉज अभिषेक
कभी ऑप्शन सेलिंग से और बैंक निफ्टी से पैसा बनाता तो मेरे को भी बैंक निफ्टी करना, हो सकता है आप निफ्टी में बना सकते हो सकता है आप करेंसी में बना सकते हो सकता है कॉपर में बना सकते हो कमोडिटी में बना सकते हो, तो प्लीज़ किसी को डायरेक्टली कॉपी मत करो। फाइनली आप में से काफ़ी सारे लोग बोलते हैं भैया डर लगने लग गया यार, कल लॉस हो गया था इसलिए डर लगने लग गया, पता नहीं क्या करें। ये फियर जो आता है पता किसके लिए आता है, फियर इसलिए आता है बिकॉज आप लोग एक रॉन्ग पोजिशन साइज लेके चलते हो। देखो क्या होता है कि मार्केट में आप आ रहे हो, अचानक से एक बहुत बड़े बड़े पोजिशन के साथ आप घुसने लग जाओगे तो सूनर और लेटर आपका बहुत बड़ा नुकसान होना ही है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने पोजिशन साइज को बहुत ध्यान से रखो। अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो स्टार्टिंग में प्लीज़ डोंट ट्रेड मोर देन 5,000 का कैपिटल डिप्लॉय करके, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा फिर 10,000 पे आओ फिर 15,000 पे आओ ताकि आपके पास पीछे जाने का मौका मिले। आप 1 लाख के पूरा 1 लाख का 1 लाख डिप्लॉय करोगे, अगले दिन गैप डाउन हो गया 50% कैपिटल चले गया, अब रिवेंज ट्रेडिंग चालू, अब वो कभी रिकवर नहीं हो पाएगा। अगर इन सारी चीज़ों का आपने ध्यान रखा तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला तो मेक श्योर लाइक और शेयर करना ना भूले। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग, कीप ट्रेडिंग।